नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ। का कर्फ्यू को लेकर जहां पर गुना जिले में सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, प्रशासन भी इसको लेकर लोगों को सचेत कर रहा है, लेकिन कुछ लोग प्रशासन और पुलिस की सख्ती के बाद भी नियमों को ताक पर रखकर बाहर निकल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अब पुलिस के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। ऐसे नियमों को तोड़ने वाले लोगों को अब पुलिस भी बख्शने के मूड में नहीं दिख रही है। गुना पुलिस द्वारा हर चौराहे पर सख्ती से चेकिंग की जा रही है और कोरोना कर्फ्यू का पालन नहीं करने वालों पर अब सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। नियमों को तोड़ने वाले बाइक सवारों की बाइक की हवा भी प्रशासन निकाल रहा है, भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जा रहा है। वहीं नियम तोड़ने वाले और पुलिस से बहस करने वाले लोगों को 3 घंटे की खुली जेल में भी पुलिस रख रही है। वहीं कई युवा भी नियमों को तोड़ते हुए जब नजर आते हैं तो पुलिस उनसे भी कान पकड़कर उठक बैठक लगवा रही है, जिससे आगे से इस महामारी के दौर में नियम का पालन करें और घर से बाहर ना निकलें। इदरीस मंसूरी की रिपोर्ट। साथ कंट्रोल रूम से सतत सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निगरानी की जा रही है और पूरे शहर में हर गली में हर चौराहे पे हर जहां लोगों की आवाजाही संभावित है प्रत्येक पॉइंट पे पुलिस लगी हुई है और पूरी तरह से कोरोना कर्फ्यू को लागू कराया जा रहा है। दुकानें पूरी तरह से बंद है और जो आवश्यक हॉस्पिटल वगैरह की सुविधाएं हैं उन वाहनों को छोड़ के उन यात्रियों को छोड़ के लगभग सभी वाहनों को चेक किया जा रहा है, समझाइश दी जा रही है और कोरोना कर्फ्यू के जो गाइडलाइन है उसके तहत पूरी कार्रवाई कराई जा रही है और पुलिस मुस्तैद लगी हुई है। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय खुद निगरानी कर रहे हैं, हम खुद चौराहे पर ड्यूटी कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो राजपथ अधिकारी और पूरा पुलिस स्टाफ है पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए और कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। आपने अभी तक टीएनटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की बटन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।